मध्य प्रदेश सहित पूरे देश चीन में फैले कोरोना वायरस से भयभीत है। इसी क्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वास्थ्य विभाग से कई तरह की बैठक ली जा रही है। वहीं अस्पतालों में भी सावधानियां बरती जा रही हैं। इंदौर के MY अधीक्षक ने अपील की है कि चीन से लौटे कोई भी जिले के CMHO संपर्क कर सैंपल देवे। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर ने अपील की है कि कोरोना वायरस से सावधानी रखना जरूरी है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी डर की कोई बात नहीं है, किंतु आपके पड़ोस में आपका कोई भी पहचान वाला 15 जनवरी के बाद चीन से लौटा है तो आप CMHO कार्यालय में संपर्क करें। वहीं जो छात्र पढ़ाई करके चीन से लौटे हैं वह भी कार्यालय पहुंचकर सैंपल देवे। वह चीन से लौटने वाले लोग मुंह पर मास्क लगाकर रखें और होम ICU में रहें। होम ICU की विधि अपने नजदीकी अस्पताल से या CMHO कार्यालय से जान सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि भारत के नजदीकी देश चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जहां हजारों लोग इस वायरस की चपेट में आए हैं, वहीं कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश व इंदौर शहर में इस वायरस को लेकर चिकित्सा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं आमजन से अपील की जा रही है कि इस वायरस को लेकर सावधानियां बरती जाएं। कोरोना वायरस जैसा कि चीन में फैला है अभी, तो उसके कई जो हमारे कई छात्र वहां पर पढ़ते हैं, तो कई छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सूचना नहीं दी किसी को भी। तो पहला मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो भी छात्र यहाँ पर आ गए हैं चीन से, या कोई भी अगर कोई बिजनेस के लिए भी गया है वापस आया है, खासतौर पर 15 जनवरी के बाद, तो अगर ऐसा कोई भी आया है तो उसका सैंपल लिया जाना जरूरी है। तो उन सबसे मेरी अपील है कि अगर आप इंदौर में रहते हैं तो CMHO कार्यालय इंदौर में संपर्क करें, और उनसे संपर्क करने के बाद उनका सैंपल लिया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अगर कोई दूसरे जिले में रहते हैं, जो इंदौर और उज्जैन डिवीजन के अन्य जिलों में जो रहते हैं, अगर वहां पर हैं तो वहां के CMHO कार्यालय संपर्क करें, उनका सैंपल लिया जाएगा। अगर उनमें सिम्टम्स नहीं है अभी किसी भी तरह के, तो उनको होम ICU की जरूरत है। होम ICU के साथ उनको जैसे कि उनको मास्क लगा के रखना है, उनसे जो बात करें वो भी मास्क लगा के बात करें, वो कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस से बात करें। ये सब सावधानियां रखनी जानी बहुत आवश्यक है। और अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जो छात्र है या कोई व्यक्ति है जो चीन से आया है और वो सूचना नहीं दे रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप CMHO कार्यालय में सूचना दें कि साहब ऐसा ऐसा एक व्यक्ति चीन से आया है। तो क्या होगा कि उससे हमारे CMHO कार्यालय या MY अस्पताल जो भी है उसको हम संपर्क करके उसका हम सैंपल ले पाएंगे, उसको हम आइसोलेशन की प्रॉपर हम विधि समझा पाएंगे किस तरह से रखना है। क्योंकि अभी इसमें कोई घबराने का ऐसा कोई भी अभी कारण नहीं है मध्य प्रदेश में, हमें सिर्फ सावधानी रखना है जिससे कि हम इसका फैलाव ना होने दें, इसको हम रोक सकें। फैलाव रोकने के लिए हमें सावधानी रखनी है, इसलिए जो मैं अपील कर रहा हूँ ये वही है कि आप सावधानी रखिए। और इसको इसी तरीके से हमें करना है कि इसमें हम अधिकतम सावधानी रखेंगे तो ये कम से कम फैलेगा, और हमारे जो इंदौर की और जो अन्य जो जिले हैं या जो जनता है वो सुरक्षित रहेगी।